वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? हमने बिगर एंड स्मॉलर का कंसेप्ट लिया था, उसकी एक्सरसाइजेस की थी और उसके अलावा हमने ऑड नंबर्स पढ़े थे। तो चलें, आज हम अपनी बुक का वर्क स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको होमवर्क दे रही हूँ, वो क्या करना है आपने बुक का, आप देखेंगे पेज नंबर 1। ठीक है बेटा, अब पेज नंबर 1 क्या है? अब पेज नंबर 1 में आपने क्या करना है, अगर आप इसका क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें लिखा है काउंट द ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप एंड राइट द नंबर्स इन द बॉक्सेस। अब यहाँ आपको कुछ चीज़ें दी हुई, अब लाइक फर्स्ट वाले में ग्रीन चिलीज हैं, सेकंड में बॉक्सेस दिए हैं, थर्ड में बुक्स हैं, फोर्थ में आइसक्रीम्स हैं, इसमें हेड्स हैं और इसमें बकेट्स दी हुई हैं। आपने क्या करना है, इनको काउंट करना है और इधर लिखना है। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम देखें तो ये इसको काउंट करें, कितने बॉक्सेस हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमने काउंट किया, कितने थे, 9, तो हमने यहाँ लिख दिया 9। अब आप इसी तरह से तमाम इन चारों को भी काउंट करेंगे और लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, देन कलर ग्रुप्स ऑफ 9 ब्लू, ग्रुप्स ऑफ 5 येलो एंड ग्रुप्स ऑफ 4 रेड। अब इसमें से जिस जिसका आंसर, यानी जो जो ग्रुप्स काउंट करके आपके पास 9 आए उनमें आप ब्लू कलर करेंगे, जो 5 हैं उनको आप येलो कलर करेंगे और जो 4 आंसर्स हैं उनको आप रेड कलर करेंगे। अब जैसे कि अगर आप ये वाला देखें, इसमें कितनी चिलीज थी, 4, तो आप इन चिलीज में कौन सा कलर करेंगे, रेड। आपने इन बॉक्सेस को काउंट किया, ये कितने बॉक्सेस थे, 9, तो इन बॉक्सेस में आप कौन सा कलर करेंगे, ब्लू कलर करेंगे। अब अगर आप इन आइसक्रीम्स को काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी है, 5, ये कितनी है, 5, इट मींस आप इन आइसक्रीम्स में कौन सा कलर करेंगे, येलो कलर करेंगे। ठीक है, तो जिनका आंसर 4 आएगा आप उसमें रेड कलर करेंगे, जिनका आंसर 9 आएगा उनमें आप ब्लू कलर करेंगे, जिनका आंसर 5 आएगा उनमें आप येलो कलर करेंगे। ठीक है, तो एक तो आपका होमवर्क ये कि आप पेज नंबर 1 करेंगे, फिर आप पेज नंबर 2 करेंगे, ये भी आप लोग का होमवर्क है। इसमें भी आपने क्या करना है, इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और लिखना है कितने। अब जैसे ये लिखे हुए आपके पास रेडिश बने हुए, यानी शलजम बनी हुई सब्जी, शलजम क्या है, एक वेजिटेबल है, तो अब हम इसको काउंट करते हैं, कितनी है हमारे पास रेडिश, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी है, 10, तो हमने काउंट करके यहाँ लिख दिया 10। ठीक है, इस तरह से आप लोग का ये पेज भी होमवर्क है, पेज नंबर 1 और 2। इसके अलावा आपके क्या एक और होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, इसका आप देखेंगे पेज नंबर 11। अब पेज नंबर 11 क्या है, ये आपका बिग और स्मॉल का है। अब इसमें क्या है, पेयर दिए हुए आपको, ये बकेट्स का पेयर, ये टेबल्स का, ये बियर का, ये बॉटल्स का, ये फिश का और ये कार और बस का है। अब इसमें क्या कहा है, इसमें आपने क्या करना है, इन ईच पेयर कलर द स्मॉलर वन ब्लू एंड द बिगर वन रेड। अब इनमें बड़ी वाली जो है चीज़ें उनको आप ब्लू कलर करेंगे और छोटी को रेड। अब जैसे ये बकेट है, ये बकेट बड़ी वाली जो बकेट है हमारी, ये बड़ी बकेट है तो इसमें हम क्या करेंगे, रेड कलर, ये छोटी है इसमें हम क्या करेंगे, ब्लू कलर। तो इसी तरह आप इन तमाम चीज़ों में जो बड़ी चीज़ें हैं उन्हें आप कौन सा कलर करेंगे, रेड कलर, और छोटी चीज़ों को ब्लू कलर। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट पेज अगर आप देखेंगे पेज नंबर 12, तो इसमें क्या कहा है, राइट बिगर एंड स्मॉलर वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब जैसे कि इसका पहला वाला देखें, जो इनमें जो बड़ा है उस पर आप बिगर लिखेंगे, जो छोटा है उस पर आप स्मॉलर लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो आपको मैंने आज होमवर्क क्या दिया, पेज नंबर 1 और 2 करना है और पेज नंबर 11 और 12 बुक का। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया, अब नेक्स्ट पार्ट में मैं बताती हूँ कि अभी हम क्या करेंगे। ठीक है बेटा।